हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी वीडियो डालने के बाद हमारा चैनल बूस्ट होता है या हमारा चैनल ग्रो होता है कितनी वीडियो डालने के बाद। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अभी अपने चैनल की ग्रोथ भी दिखाने वाला हूँ और तो मैं आपको कम्प्लीट अपने चैनल के बारे में भी बताऊँगा कि भाई मैंने अपने चैनल कैसी शुरुआत की थी और कितनी वीडियो मैं उसमें डाल चुका और ग्रोथ रेट मेरा क्या है। मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी कम्प्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो में भी, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितने वीडियो के डालने के बाद आपका चैनल या हमारा चैनल भाई बूस्ट होता है। तो भाई मैं अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने प्लान किया है YouTube पर आने का, तो भाई कम से कम आपको लगता है कि भाई मैं 10-15 वीडियो डाल के देख लेता हूँ और उसका रेस्पॉन्स देख लेता हूँ, अच्छी चली मेरी 10-15 वीडियो, तो भाई मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। मेरे भाई 10-15 वीडियो से कुछ नहीं होता। और अगर जो आप छोड़ने ही आए हो 10-15 वीडियो के बाद आपकी ग्रोथ नहीं हुई, तो भाई इसको पकड़ने की क्या ज़रूरत है आपको। आपको मन बना के आना है YouTube पे। अगर जो आप YouTube पे कदम रख रहे हो या रख चुके हो, तो आपको सबसे पहले मन ये बना लेना है भाई व्यूज़ आए या ना आए, मुझे कंटिन्यू कॉन्टेंट देना है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप YouTube पर आ चुके हो और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं महीने की 30 वीडियो डालूंगा या 60 वीडियो डालूंगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, और आप एक ही डाल पा रहे हो, मैं कहूँगा भाई अगर आप उस एक वीडियो में अगर अच्छा कंटेंट दे रहे हो या अच्छा थंबनेल लिख रहे हो, अच्छा टाइटल लिख रहे हो, अच्छा टैग्स लगा रहे हो और वीडियोस का रेस्पॉन्स भी अच्छा है, तो भाई मैं कहूँगा आपको एक ही वीडियो रखो, चाहे दो दिन में एक वीडियो डालो, लेकिन क्वालिटी एकदम एक नंबर होनी चाहिए वीडियो की। क्योंकि अगर आप एक वीडियो दो दिन में डाल रहे हो, तो भाई इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हो वीडियो बनाने का, और अच्छा एडिट करने का भी आप समय ले रहे हो, अच्छा थंबनेल बनाने का भी आप समय ले रहे हो। तो भाई दो दिन में कम से कम चाहे एक वीडियो डालो, लेकिन आप जबरदस्त डालो, अच्छे कंटेंट के साथ डालो, मैं तो आपको यही कहूँगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितनी वीडियो जाने के बाद आपका चैनल बूस्ट होता है। देखो भाई, बूस्ट तो अगर जो आप स्टार्टिंग में 10-5 वीडियो डालोगे, देखो बूस्ट तो जब भी हो सकता है, लेकिन जो असली जो बूस्ट होता है ना भाई, कम से कम 100 वीडियो डालने के बाद आपके चैनल बूस्ट होता है। अभी मैं आपको अपने चैनल पर भी दिखाऊंगा भाई मेरे को कितना बूस्ट मिला था, फिर रुक गया, और अभी भी धीरे धीरे जैसे कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ तो धीरे धीरे बूस्ट अप मिलता जा रहा है, क्योंकि मेरी 100 वीडियो क्रॉस होने वाली हैं। क्योंकि 100 के बाद एक ज़बरदस्त आपको एक बूस्ट मिलता है ख़तरनाक वाला, जो मतलब यूट्यूब समझ जाता है कि हाँ ये बंदा रेगुलर वर्क कर रहा है यूट्यूब पर, और अब इसको हमें थोड़ा इंप्रेशन इसका इंक्रीज़ कराना चाहिए, इसके हमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज़ कराना चाहिए। तो कब कब कराता है, जब उनको लगता है यूट्यूब के कि हाँ भाई ये बंदा रेगुलर वर्क कर रहा है और अब इसको हम बूस्ट करते हैं, 100 वीडियो इसने पब्लिश कर चुका है अपने वीडियो चैनल पर, तो अब जो बूस्ट करता है ना भाई, वो ऐसा बूस्ट मिलता है, फिर आपको हज़ारों में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जब आपको बूस्ट मिलता है। लेकिन वो भाई उन्हीं बंदों को मिलता है जो कंसिस्टेंसी से चैनल पर वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई अब महीने में आप 15 वीडियो डालो, 15 से भी आपने 7 वीडियो कर दी। भाई कम से कम मैं तो यही कहूँगा, अगर आप 30 वीडियो डाल रहे हो, तो भाई अच्छे से डालो, अच्छे कॉन्टेंट के साथ डालो, अच्छा रिसर्च करके कॉन्टेंट डालो आप। और बहुत जल्दी मैं एक बहुत यूनिक कंटेंट लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो भाई चैनल पर बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट मिलने वाला है, बहुत यूनिक कंटेंट आपको चैनल पर मिलने वाला है। तो आप वीडियो को देखते रहो, काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है, आप भी वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो कि भाई अब हमें भी इस टॉपिक पर वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं इस तरह की वीडियोज़ पे और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा जाता है। मैंने कुछ पहले भी इस तरह की वीडियोज़ बनाई थी, जो मेरा दूसरा चैनल था, जो कि वो डिलीट कर दिया था मैंने अपना चैनल, उसके बाद फिर से दोबारा शुरुआत की थी मैंने इस चैनल की वाउटेक की। और मैं आपको बता देता हूँ, अब 100 वीडियो आप डालो और भाई बूस्ट आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ भाई, अगर जो आपको 100 वीडियो या 200 वीडियो डालने के बाद भी बूस्ट नहीं मिला ना भाई, तो दोस्तों आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा इन द सेंस आपको अपनी वीडियोस पे एडसेंस चलाने पड़ेंगे। अगर जो आप महीने में 30 वीडियो डाल रहे हो ना भाई, तो 15 वीडियो पे कम से कम आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ से बूस्ट मिलेगा आपको, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो भाई जब जाके एक बैलेंस में आपका चैनल आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कि वीडियोस पर 100 व्यूज डाल दिया आपने या 200 वीडियो आपने अपलोड कर चुके, तब भी आपको कोई बूस्ट नहीं मिल रहा और आप कंटिन्यू वर्क करे जा रहे हो, तो भाई कहीं तो आप मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहले उस मिस्टेक को समझो, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कोई कुछ काम गलत नहीं कर रहा, कोई कंटेंट गलत नहीं दे रहा हूँ, मैं टाइटल सही लिख रहा हूँ, मैं कीवर्ड सही लगा रहा हूँ, मैं थंबनेल अच्छा बना रहा हूँ, आपको अगर लगता है, तो भाई आपको जो मैंने बताया ना भाई, मैं रिपीट नहीं करूँगा जो मैंने आपको अभी बताया ना भाई 30 सेकंड पहले, दोस्तों वो काम कर लो, आपका चैनल बैलेंस में आ जाएगा भाई। जितना आपने लगाया ना भाई, वो आप नेक्स्ट मंथ ही आप ले लोगे पैसा।
तो दोस्तों कम से कम आप कंसिस्टेंसी से आप 100 वीडियो डालो भाई, उसके बाद आपको बूस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और जब आपको बूस्ट मिलेगा तो आपके अंदर और मोटिवेशंस आएगा और आपको मज़ा आएगा काम करने में भी। और अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो भाई बूस्ट मिलने के बाद जब उनको लगेगा हाँ भाई अब हमारा बच्चा हमें कमा के दे रहा है, तो भाई वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर आपको स्टूडियो बना करके देंगे और अच्छा आपको कैमरा ला करके देंगे, अच्छी लाइटें आपको ला करके देंगे। लेकिन ये है कि भाई उनको, क्योंकि कुछ के पेरेंट्स हैं ना स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत सारे हैं मेरे पास ऐसे कॉन्टेक्ट जो कहते हैं भाई पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, लेकिन जब भाई वो एक दिन कुछ करके दिखा देते हैं ना भाई, फिर तो पेरेंट्स अलाउ करते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई बच्चा घर में है अपने, सेफ है और यहीं से अर्निंग कर रहा है, तो भाई फिर क्या फ़ायदा हमें किसी की जॉब करने की या कुछ और काम करने की। तो भाई इसलिए मैं तो ये कहूँगा आप कंसिस्टेंसी से वर्क करो, रेगुलर वर्क करो और अच्छा कंटेंट दो, अच्छे कीवर्ड्स लगाओ, अच्छा डिस्क्रिप्शन में लिखो, अच्छा टाइटल लिखो, अच्छे थंबनेल बनाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन अब वीडियो अच्छी लगने से पहले मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने कितनी वीडियो डाल ली और कितने मेरे स्टार्टिंग में क्या व्यूज़ आते थे, फिर बीच में क्या व्यूज़ हुए, और फिर मैंने जब एक हफ्ता मैंने छोड़ दिया था, लगभग 7 से 8 दिन मैंने वर्क नहीं किया था अपने चैनल पे, उससे पहले कितने व्यूज़ आते थे, क्योंकि मैं शादी थी मेरी सिस्टर की तो थोड़ा मैं उसमें बिज़ी हो गया था, और अब कितने व्यूज़ आते हैं एक हफ्ता छोड़ने के बाद। मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले, बस मैं कैमरा मोड़ लेता हूँ भाई। दोस्तों आ चुका हूँ अपनी डिस्प्ले पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा अबाउट एक चैनल है, और यहाँ पर आप मेरे इस एक मैंने विड आई क्यू मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, इससे मेरे को बहुत बेनिफिट हो जाता है। यहाँ के बाहर इंटरफेस पे यहाँ पर आप दिखा देते हैं आपकी ग्रोथ क्या है। अभी मैं अगर यहाँ की टोटल व्यूज़ और टाइम की बात करूँ तो भाई यहाँ पर मेरे 30,000 समथिंग तो टोटल व्यूज़ हो चुके हैं और 71 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अगर मैं लास्ट 30 डेज़ की बात करूँ तो भाई 6.61K मेरे को व्यूज़ मिले हैं, और मतलब 10 वीडियोस के दिखा रहा है शायद ये, हाँ ये 10 वीडियोस के मेरे को 6.61K मेरे को इसमें व्यूज़ मिले हैं। और अभी मैं चलता हूँ नीचे, और ये मेरा नीचे ब्लॉग चैनल है, आप इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अभी मैं आपको अपने वीडियोस भी दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में कितने व्यूज़ आते थे, तब फिर नीचे चलते हैं। ये मेरा यहाँ से ये मेरी पहली वीडियो है 4 महीने पहले, मेरे को 4 महीने हो गए भाई यूट्यूब पर आए हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 महीने पहले 442 व्यूज़ इस पर मेरे को मिले थे, और उसके बाद 296 मेरे को इस वाली वीडियो में मिले थे, उसके बाद 1K व्यूज़ मुझे इस पर मिले थे टीम व्यूवर्स पे, और 1K प्लस ही हैं। सब्सक्राइबर हाइट कैसे करें 289, और यूट्यूब पर आई बटन लगाना सीखें 171 और 163, 210, 84, 120, 98, 94, इस पे फिर 1K मिले थे मेरे को 75, 173, 175, 69, 75, 95। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब अंडर अगर जो एवरेज उसका एवरेज व्यू देखें तो हम मतलब 100 के अप्रोक्स हमें व्यूज़ मिल रहे हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर फिर कुछ वीडियोस पे 1.1, 1.3, 1.1, 1.6, इन 4-5 वीडियोस पे ये एवरग्रीन टॉपिक हैं, इन पे हमें मिलते रहेंगे। और अगर आप एवरग्रीन टॉपिक बना रहे हो तो भाई अच्छी बात है, बना लेना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो एवरग्रीन टॉपिक्स पर, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब 2 महीने पहले पुरानी वीडियो 93, 71, 68, 139, 77, 64, 59, फिर मेरा ये थोड़ा एवरेज चला, फिर मैं यहाँ पर आया थोड़ा रेगुलर हुआ यहाँ पर, फिर मैं ये भाई जुनेद भाई का इंटरव्यू लिया था मैंने इस वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं 5.6K इस पर व्यूज़ गए थे, और उसके बाद फिर थोड़ा व्यूज़ बढ़े हैं 310, 55, 55, 87, 74। ये मेरी जो SEO वाली वीडियो थी बहुत अच्छी वीडियो थी, मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की थी, और इसमें 10K प्लस सब्सक्राइबर्स, सॉरी 10K प्लस व्यूज़ इस पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 106, 225 और 105, ये लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब एक पिछले एक महीने की बात, ये पिछले एक महीने में वीडियो डली हैं। उसके बाद अब मैं दिखा देता हूँ, मैंने एक हफ्ते बिल्कुल काम नहीं किया, कब से काम नहीं किया, मैं करूँगा आपको सपोर्ट, ये वाली ये 2 वीक्स हैं। उसके बाद 2 वीक्स के बाद फिर मतलब 2 वीक्स पहले डली थी ये वीडियो, उसके बाद फिर मैंने एक हफ्ता काम नहीं किया, मतलब 7 से 8 दिन काम नहीं किया,
ये मतलब एवरेज जो मेरा व्यूज़ आ रहे थे 163, 70, 90, मतलब अंडर 100 मेरे को व्यूज़ मिल रहे थे, ठीक है। और अब आप देख सकते हो, एक हफ्ते चैनल रोकने के बाद क्या हाल है भाई। 1, 2, 3, 4, 5 पांच वीडियो डाल चुका हूँ मैं, करूँगा आपको सपोर्ट के बाद। मैं आप यहाँ से पांच वीडियो डाल चुका हूँ, और मतलब ये 2 वीक्स के बाद लगभग डली थी भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्यूज़, 40, 43, 40, 40, 27, ये हाल है भाई। मतलब यूट्यूब का ये तो भाई एक चाल समझ गए भाई, अगर जो आप रुक जाते हो भाई, चलते चलते रुक जाते हो तो भाई प्रॉब्लम आ जाती है। अभी धीरे धीरे से फिर रेगुलर वर्क चल रहा है यूट्यूब पर, फिर उसको उसी लेन पे लाने वाला हूँ चैनल को मैं धीरे धीरे भाई। इसमें कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, ये दोनों, इस दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, बहुत ज़रूरी है यार। एटलीस्ट अगर आपका कोई वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, तो भाई 2-3 वीडियो एडवांस बना के रखो भाई। ये मतलब अगर जो जो मैंने 7 से 8 दिन मैंने वर्क नहीं किया, अगर मैं इसमें, चलो भाई मैंने 10 दिन वर्क नहीं किया मानता हूँ मैं, 10 दिन में अगर जो 5 भी वीडियो डाल देता ना, तो भाई ऑडियंस जमी रहती और उनको लगता कि हाँ भाई चल एटलीस्ट एक दिन छोड़ के 1 दिन वीडियो डाल रहा है भाई। वो गई नहीं है यार 10 दिन में, तो भाई लोग बहुत दूर दूर तक भाग जाते हैं। और इस वजह से मैं ये कहूँगा भाई, कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है ही, तो भाई रुको ना भाई बिल्कुल भी बीच में। ये बीच में ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैं बस कोशिश करूँगा ये गलती ना हो। अगर जो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, तो भाई मैं पहले से ही अब वीडियो अपनी बना कर रखता हूँ और अभी रखा करूँगा। और भाई दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी बना कर रखा करो भाई अपनी वीडियोज़ कुछ एडवांस में। बाई चांस यार कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एटलीस्ट आप डाल तो दो भाई वीडियो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा अच्छा लगा होगा, जो मैं आपने मैंने समझाया कितनी वीडियोस पर बूस्ट मिलता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो जो चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई, धीरे धीरे उनको फॉलो करना शुरू करो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।